दरगाहों और मस्जिदों के गुजरों तक महदूद थी। उनकी तालीमात को बरसगीर पाक हिंद बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया में निशनास कराने के लिए इदारा तहकीकात अहमद रजा ने जो कराकर खदमात अंजाम दी है, गालिबन वक्त का है बेहद जरूरी अमल। अब हम बाबा मकालात का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले साजन करम डॉक्टर मदद अली कादरी साहब से मैं मुद्दीवाना इतमाद कर रहा हूँ जो मुतशीफ लाए और नौजवान नस्ल के लिए इमाम अहमद रजा के इशारात के मौजू पर अपने गरम पर ख्याल का इजहार फरमाएं। जनाब डॉक्टर मदद अली कादरी साहब। साहब के इशारे के मुताबिक चंद कलमात माफ फरमाया जाए कि मेरी जबान चूंकि उर्दू नहीं है इसलिए मुझे इसमें गलतियाँ होगी। बरहाल चंद कलमात इस अजीम मरतबा कॉन्फ्रेंस में मैं अर्ज करूँगा। मेरे इस तकलीफ मुख्य तकलीफ है नौजवान नस्ल आजकल क्यों बेरार होने का शिकार हो रहा है। उसमें यह है कि हमारे बरसगीर पाक दिन में फिरंगियों की हुकूमत रही और उसमें मैं देखता हूं कि कुछ साहबान खिलाफत के नाम पे, कुछ साहबान जिहाद के नाम पे और कुछ साहबान तबलीग के नाम पे। हालांकि मकसद उनका यह नहीं था खिलाफत इस्लामिया के लिए कोशिश कर रहे हैं या जिहाद इस्लाम की आलाय करना के वक्त के लिए इतिहास कर रहे हैं या तबलीग दीन सही तबलीग दीन सही नाम समझने में कर रहे हैं। उनका मकसद ये था कि जो सही अंदे हैं उनसे मुसलमानों को दूर रखा जाए। इसमें हम देखते हैं कि मैं माजत के साथ बड़े बड़े मदरसे जिनकी मेरे को ज्ञान नहीं थी उनमें बड़े बड़े मदरसों ने नौजवान नस्ल को बिल्कुल बेहार हो के उन्हें मामले कर लिया और उस तरह से कई तरह के खिलाफत तहरीक जवाब तहरीक या तबलीग तहरीक वो उन्होंने कायम की। लेकिन अल्लाह तबारक तआला एक ऐसी प्रबंधिता शख्सियत पैदा की जिन्होंने तहरीक तकलीफ तरीकों से मुसलमान की रहनुमा की है। कुछ जमात ऐसी हैं ये खास हमारे यहाँ खास करके इस बरसगीर पाक दिन में तकलीद और अफैद करती है। हकीकत में इस्लाम तकलीद अहम फर्ज है बल्कि कदम तकलीद अहम फर्ज है। अगर तकलीद आप अपने असलाब की नहीं करेंगे और उनके अखबार और सदा को नहीं सुनेंगे तो कैसे आपको सही तहरीक मिलेगी। और जितने साधु तमामों ने तकलीफ के खिलाफ अपने जहर आलू किताबें लिखी और लोगों के जहन को खराब किया मदद के साथ बड़े बड़े उनको शेख इस्लाम का रकम मिलता है और ऐसी बड़ी बड़ी किताबें करते हैं ईमान और इस तरह से लिखते हैं और लोगों को तामिलदार करते हैं। लेकिन
लेकिन कुदरत ने अपना निजाम रखा है, हर सदी में हर जमाने में कोई ना कोई आलिम दीन जो जिहाद के लिए उठता है और अपना कलम हाथ में लेता है और उम्मत मुसलमान की रहनुमाई करता है। उनमें से मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहिर्रहमत, इनसे मेरी जान कुर्बान, उन्होंने बड़ा जाना किए, कई किताबें लिखी और लोगों के दिल को उजागर किया और अकार ये सीरिया की तहरीम दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पश्चाताप बस अभी बात हुए क्या, लेकिन इराक और दूसरे कई ममालिक में हैं और इंशाल्लाह इनकी तबलीग ताकामत रहेगी, ये मेरी दुआ है। मैं क्योंकि जामिया सिंह से मुतल्लिक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैं इनाम फैकल्टी भी हूँ और मेरी जिम्मेदारी ये है और मैंने इनके लिए दस्तूर बना लिया है कि सही अकीदे की अपनी तरफ से तमाम हुकूमत जितने हो सके मैं इसमें खिदमत करूँगा। मुझे अहमद रजा की तरफ से जो उन्होंने इस वक्त तक खिदमत की है उनमें से जो खुशी हुई कि गुज़श्ता साल कराची जामे कराची में अहमद रजा चेयर कायम की गई और उसके लिए भी मैं खुश साहब का अपने सारे रशीद मेरी वजह रसूल साहब से बात नहीं हो सकी है, अलबत् मैं आपका दरबारी से पूछ रहा था कि चेयर साहब क्या बना। तो अभी मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम मुखिर हजरात से अर्ज करूंगा कि उसके लिए उन्होंने फरमाया बताया मुझे कि उन्होंने कुछ देना है जामिया कराची को कोई मुतालबा बड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे मुखिर हजरात का दिल भी छोटा नहीं और वो इस तरह के काम में देंगे और मैं आपसे ये भी अर्ज करूँ मैं भी चाहता हूँ कि सुन्नी नस्ती में भी इमाम मोहम्मद रज़ा चेयर काम की जाएगी और मैं समझता हूँ इस मामले में मेरे तमाम दोस्त और अहबाब और मुखिर हजरात लबैक जरूर करेंगे। फरहाल मैं ये चंद कलमात अर्ज करने आपसे आपको दावा बहुत खूब।